तो ये एक सीरीज 8 की बेस्ट क्लोन वॉच। इस वॉच के अंदर आपको एप्पल लोगो देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ इस वॉच के अंदर आपको डुअल मोड भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ आपको इस वॉच का क्राउन बटन भी वर्किंग देखने को मिलेगा एंड इस वॉच के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी। तो अब वॉच अनबॉक्स करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है अभिषेक, चैनल का नाम है वाइज टेक। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। ये है एक K18 Pro स्मार्ट वॉच। बात कर ले इसके बॉक्स की, तो बॉक्स पे सबसे पहले आपको वॉच लिखा हुआ देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे वॉच की फोटो देखने को मिलेगी। बैक साइड पे आपको सीरीज 8 लिखा हुआ देखने को मिलेगा एंड उसी के नीचे आपको 45mm की वॉच देखने को मिलेगी हमारी एंड मेड इन चाइना वॉच होने वाली है हमारी। तो आप अनबॉक्स कर लेते हैं इसके कवर को। तो कवर रिमूव करने पे सबसे पहले आपको दो बॉक्सेस और देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एक में वॉच और दूसरे में हमारे स्टेप्स होने वाले हैं। तो आप अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट से हमारे बॉक्स को। तो बॉक्स अनबॉक्स करने पे सबसे पहले आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगा, जो कि हमारा दो लैंग्वेज इसमें होने वाला है, पहला हमारा इंग्लिश एंड दूसरी हमारी चाइनीज। तो साइड रख लेते हैं इसको। उसके बाद आपको एक मैग्नेटिक चार्जर देखने को मिलता है, जिससे आप अपनी वॉच ईजिली फास्ट चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इस वॉच में आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आपकी वॉच 1 और 2 आवर के बीच में चार्ज हो जाती है फुल। इसको साइड रख लेते हैं एंड बात कर लेते हैं हमारे वॉच की। तो वॉच में आपको कुछ इस तरीके के कवर के साथ रैप होके आती है, देख सकते हैं लेदर का कवर है हमारा, काफी प्रीमियम पैकिंग होके आई है, जैसे राजा महाराजा का कोट की तरह। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट से। तो इसका कवर रिमूव करने पे सबसे पहले हमें वॉच का फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, जो कि हमारी कर्व डिस्प्ले होने वाली है एंड वॉच का ओवरऑल लुक्स की बात करें तो काफ़ी बढ़िया लगती है हमारी वॉच। तो इसको साइड रख लेते हैं एंड बात करते हैं हमें दूसरे बॉक्स में क्या देखने को मिलता है। दूसरा बॉक्स अनबॉक्स करने पे आपको एक ब्लैक कलर के स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं, जिस तरीके के स्ट्रैप्स मैंने सोचे थे इस बॉक्स में, उस तरीके के स्ट्रैप्स आपको देखने को नहीं मिले। अगर इस वॉच में आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा के स्टेप्स देखने को मिल जाते तो काफ़ी मज़ा आ जाता गाइस, और इस वॉच में 4 चांद लग जाते। और इस स्टेप्स की बात करें तो ये हमारे 1000 के अंदर आने वाले स्मार्ट वॉच की स्टेप्स है और दोनों की क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये वाली वॉच हमें 2000 के अंदर है बेस्ट स्मार्ट वॉच एंड ये वाली हमारी 1000 रुपीज़ के अंदर बेस्ट स्मार्ट वॉच है। ये है एक i8 Pro Max स्मार्ट वॉच, जिसका मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में दे दिए, जरूर से इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, जिसका बजट 1000 रुपीज के अंदर है। तो आप फटाफट से स्ट्रैप्स लगाते हैं इस वॉच के एंड फिर मिलते हैं वीडियो में। तो वॉच में स्ट्रैप्स लगाने के बाद वॉच कुछ इस तरीके की लगती है, देख सकते हैं काफी अच्छी लुक आ रही है हमारे वॉच की। तो वॉच स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इस वॉच के फीचर्स की। सबसे पहले आपको 192 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है हमारे वॉच में एंड राइट साइड पे आपको एक क्राउन बटन देखने को मिलेगा, जो कि हमारा वर्किंग होने वाला है एंड उसके नीचे आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिलेगा, देन आपको पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है। बैक साइड पे आपको कुछ सेंसर देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे हार्ट रेट जैसे फीचर ऑन करने पे लाइट ब्लिंक करती हुई देखने को मिलेगी एंड उसके ऊपर आपको सीरीज 8 लिखा हुआ देखने को मिलता है एंड वॉच हमारी 45mm की होने वाली है। लेफ्ट साइड देखने पे हमें एक स्पीकर देखने को मिलता है। तो वीडियो में आगे हम इस वॉच का साउंड टेस्ट भी करेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारी स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच स्टार्ट करने पे आपको एप्पल लोगो देखने को मिलेगा एंड हमारी वॉच 2 से 3 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं वॉच के वॉच फेसेस की। आपको इस वॉच के अंदर 19 वॉच फेसेस देखने को मिल जाती है एक टाइम पे एंड इस वॉच में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिलती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं वॉच के यूआई पार्ट्स की। तो ऊपर स्लाइड करने पे आपको एक ब्लूटूथ का फीचर देखने को मिलेगा, जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग एंड उसके बाद आपको मेन्यू सेट्स देखने को मिलेंगे। तो इस वॉच के अंदर आपको 9 मेन्यू सेट्स देखने को मिलेंगे एक टाइम पे एंड उसके बाद आपको एक सेटिंग फीचर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लैंग्वेजेस फीचर भी दिया गया है। देख सकते हैं इस वॉच में आपको 20 से ज्यादा लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी एंड उसके बाद बात कर ले वॉच की ब्राइटनेस की। तो फुल लेवल पे आप ब्राइटनेस देख सकते हैं एंड मैं इसकी ब्राइटनेस 0 पे दिखाता हूँ।
जीरो पे ब्राइटनेस कुछ इतनी देखने को मिलेगी जो कि आई से विजिबल है लेकिन कैमरा इसको विजिबल नहीं कर पा रहा है। एंड देन आपको एक डेट का फीचर देखने को मिलेगा जो कि आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। देन आपको टाइम का फीचर देखने को मिलेगा, इस वॉच के अंदर आप कस्टमाइज टाइम भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन आपको एक अबाउट फीचर देखने को मिलेगा जिसमें आपको वॉच का नेम, वर्जन एंड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी वॉच से रिलेटेड। देन आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा जिसको स्कैन करने के बाद आप वॉच की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको एक कॉलिंग फीचर देखने को मिलता है जो कि आप इजीली कॉल कर सकते हैं इस वॉच के अंदर। ये वॉच हमारी ब्लूटूथ कॉलिंग एंड ब्लूटूथ म्यूजिक कंट्रोलर भी है। देन आपको एक आई बटन देखने को मिलेगा जिसको क्लिक करने के बाद आपको अबाउट फीचर ऑन होते हुए देखने को मिलेगा जिसमें आप वॉच के वर्जन वगैरह पढ़ सकते हैं। देन आपको एक बैटरी का लोगो देखने को मिलता है जो कि आप देख सकते हैं कि हमारी बैटरी इतनी चार्ज है, बट इस वॉच के अंदर आपको परसेंटेज विजिबल नहीं है। देन आपको डेट एंड डेज का फीचर देखने को मिलता है नीचे, एंड लेफ्ट साइड स्लाइड करने पे आपको डेट एंड टाइम का फीचर देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्टली आपको एक वेदर फीचर देखने को मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेदर करंट इतना दिखा रहा है। देन आपको हार्ट रेट फीचर देखने को मिलता है जिसको ऑन करने के बाद बैक साइड पर लाइट ब्लिंक करते हुए आपको देखने को मिलेगी। सो नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो नेक्स्ट फीचर आपको एक शट डाउन फीचर देखने को मिलता है जिसको ऑन करने के बाद आप अपनी वॉच स्विच ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्टली आपको एक मेन्यू सेट फीचर देखने को मिलता है जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले। एंड नीचे स्लाइड करने पे आपको मैसेज का फीचर देखने को मिलेगा जिसमें आप मैसेज नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एंड देन राइट साइड स्लाइड करने पे आपको दो एडिशनल फीचर देखने को मिलेंगे जो कि हमारा स्टेप काउंटर एंड देन आपको हार्ट रेट फीचर देखने को मिलेगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इस वॉच के अंदर आप कस्टमाइज एप्लीकेशन अपने अकॉर्डिंग ऐड नहीं कर सकते और कोई भी फीचर ऐड नहीं कर सकते जैसा कि हमने कई वॉच में देखा है। यहाँ पे राइट साइड स्लाइड करने पे ऐड का फीचर आ जाता है बट इस वॉच में नहीं आ रहा है। एंड नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्टली हम बात कर लेते हैं इसके मेन्यू सेट्स की। एंड जल्दी से मैं इनका मेन्यू सेट्स फटाफट से दिखा देता हूँ आपको। वॉच में ओनली 9 मेन्यू सेट देखने को मिलता है जो कि अदर वॉचेस में आपको 4-5 देखने को मिलेगी। एंड इसकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये मेन्यू सेट एकदम ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट इंटरनल फीचर्स की। तो इसमें मैसेज नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, देन आपको एक फोन बुक फीचर देखने को मिलता है जिसमें आप कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं अपने नए। जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तो आप सिंक भी कर सकते हैं इसमें आप अपने कॉन्टैक्ट्स। देन आपको एक डायलर फीचर देखने को मिलेगा जो कि मैं वीडियो में आगे कवर करने वाला हूँ। देन आपको एक डुअल मोड देखने को मिलेगा जो कि आपको अगर सीखना है तो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बना के बता दूंगा। देन आपको एक म्यूजिक फीचर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर वॉच के लिए। नेक्स्टली आपको एक कैमरा फीचर देखने को मिलेगा जो कि इस वॉच से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने फ़ोन का कैमरा। देन आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड फीचर देखने को मिलेगा एंड उसके नेक्स्ट में आपको फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। एंड उसके नेक्स्ट में आपको एक लैंग्वेज फीचर दिया गया है जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके नेक्स्ट में आपको एक रीसेट फीचर देखने को मिलता है जो कि स्टार्ट ऑन करने के बाद आप अपने वॉच को रीसेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपको लास्ट में आपको एक मेन्यू सेट का फीचर देखने को मिलता है। इस वॉच के अंदर 9 मेन्यू सेट्स देखने को मिलते हैं एक टाइम पे। तो फाइनली कर लेते हैं वॉच का कॉलिंग टेस्ट। Your daily data balance is 1.48 GB out of 1.5 GB, which will renew on 27th December 2022 at 1:04 AM. For new offers, recharges and plans. तो कैसा लगा आपको साउंड? अगर साउंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और तो फाइनली आप टेस्ट कर लेते हैं म्यूजिक साउंड इस वॉच का। तो अब मैंने प्ले कर लिया यहाँ से कॉपीराइट फ्री म्यूजिक।
अगर आपको इस वॉच का साउंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।